हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को ऑफ शोल्डर ब्लाउज सिलाई करके दिखाऊंगी। ये मैं पिछले वीडियो में काट किया है। तो फ्रेंड्स, छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप अभी भी चैनल में न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि मेरे यहाँ आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको किस तरह से सिलाई करना है पूरा स्टेप बाय स्टेप सीख लेती है। तो यहाँ पर देखिए, ऑफ शोल्डर ब्लाउज को मैं यहाँ पर पेट देकर सिलाई करूँगी। तो यहाँ पर मैंने 34 साइज़ का पेट लिया है। इसका कटिंग का वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप यहाँ से भी देख सकती हो और चाहे तो चैनल में जाकर वहाँ से भी देख सकती है। तो फ्रेंड्स, इस ब्लाउज को मैं जैसे कि पैर देकर सिलाई करना है, तो यहाँ पर देखिए क्या करना है। तो अस्तर और फैब्रिक को हम अलग अलग सिलाई करूँगी। तो पहले देखिए, मैं अस्तर में सिलाई करूँगी और यहाँ से देखिए कहाँ से मिलाकर सिलाई करना है। ये देखिए, नीचे से इसको यहाँ से मिलाकर सिलाई करना है और आर्मोर का साइड की तरफ से जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा इसको मिलाकर काट कर लूँगी। उसके बाद देखिए, यहाँ से जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक मिलता है देखिए इसको हम काट कर लेना है। यहाँ से देखिए दोनों पार्ट को इस तरह से बराबर आकर मिलाकर काट करना है। अस्तर में सिलाई करने के बाद अभी देखिए फैब्रिक में सिलाई करना है। यहाँ पर देखिए फैब्रिक को भी देखिए नीचे की तरफ से मिलाकर सिलाई करना है। फैब्रिक में भी देखिए जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक मिलता है इसको देखिए इस तरीके से बराबर रखना है। तो रखने के बाद देखिए यहाँ से इसको भी काट कर लेना है। तो अभी देखिए हम बस पॉइंट के लिए मेजरमेंट लेना है। तो जैसे कि ये ब्लाउज 14 इंच है, तो यहाँ से देखिए मैं 14 इंच का मेजरमेंट ले लूँगी। यहाँ से देखिए, यहाँ से तो यहाँ पर देखिए बस पॉइंट के लिए मेजरमेंट आता है 10.5 इंच पर एक्स्ट्रा हाफ इंच फैब्रिक के साथ। यहाँ पर मैं रखूँगी 10.5 इंच। तो इस तरीके से दोनों साइड की तरफ से 10.5 इंच का यहाँ से मेजरमेंट ले लेना है। तो अभी देखिए इसको हम यहाँ पर बिल्कुल इस तरीके से उंगली से टाइट करके पकड़ कर रखना है और यहाँ से सिलाई करना है।
फिर यहाँ से देखिए क्या करना है। तो यहाँ से देखिए फैब्रिक को इस तरीके से देखिए सीधा साइड और सीधा साइड को मिलाना है, और मिलाने के बाद देखिए यहाँ से एक सिलाई कर लेना है यहाँ से। फिर देखिए नेक को इस तरीके से छोटा छोटा काट लगाना है। तो काट लगाने के बाद फिनिशिंग के लिए सिलाई देना है। फिनिशिंग की सिलाई देखिए अस्तर की साइड की तरफ से देना है, मेन फैब्रिक का साइड की तरफ से नहीं देना है। उसके बाद देखिए इसका ऊपर से और एक सिलाई लगाऊंगी। और यहाँ से देखिए चारों तरफ घुमाकर सिलाई कर लिया है। अभी देखिए कमर में भी सिलाई कर लेना है। फ्रंट पार्ट सिल लिया है। अभी देखिए हम बैक पार्ट सिलाई कर लेना है। देखिए बैक पार्ट कैसे सिलाई करना है, बैक साइड की तरफ से ये हुक होगा और यहाँ से देखिए इस तरीके से पहले मिलाकर सिलाई कर लेना है। देखिए यहाँ से देखिए नेक में सिलाई करना है। तो यहाँ से छोटा छोटा काट लगा लिया। अभी देखिए यहाँ से भी फिनिशिंग के लिए सिलाई दूंगी। दोनों पार्ट को इसी तरीके से सिलाई कर लेना है। ये देखिए तो अभी घुमाकर सिलाई लगाना है। घुमाकर सिलाई करने के बाद देखिए अभी हुक पुट्टी सिलाई करना है। इसको देखिए मैं सीधा साइड की तरफ से सिलाई करके उल्टा साइड की तरफ से पलट लूँगी। जिस साइड में देखिए हुक लगाना है उसी साइड की तरफ से ये, और यहाँ से इस तरीके से फिनिशिंग के लिए सिलाई देना है। और यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट कर लूँगी। जिस साइड में हुक लगाना है उसी साइड की तरफ से उतना फैब्रिक नहीं चाहिए। और यहाँ से इस तरीके से मुड़ कर देखिए उल्टा साइड की तरफ से सिलाई लगाना है। देखिए उसके बाद सिलाई करना है दूसरा साइड का हुक पुट्टी। इसको देखिए उल्टा साइड की तरफ से लेना है और सीधा साइड की तरफ से पलटना है। जिस साइड में हमें हुक का घर बनाना है उसी हुक पुट्टी को इस तरीके से सिलाई लगाना है। और यहाँ से भी देखिए फिनिशिंग के लिए सिलाई देना है हुक पुट्टी के साइड की तरफ से। तो अभी देखिए यहाँ से इस तरीके से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद यहाँ से इस तरह से टू फोल्ड करना है और सामने की तरफ से लाना है।
और फिर देखिए यहाँ से नेक के साइड की तरफ से ऊपर से सिलाई लगा लेना है इस तरीके से। उसके बाद हम टैग सिलाई करना है। कटिंग के टाइम में मैंने बता दिया कितने इंच तक लेकर सिलाई करना है। ये देखिए बैक पार्ट सिलाई कर लिया। अभी देखिए क्या करना है। अभी देखिए हम स्लीव सिलाई करना है। तो स्लीव को देखिए यहाँ से किनारे से मिलाना है। जब हम नॉर्मल ब्लाउज सिलाई किए थे तब हम मिडल से मिलाया है, और ऑफ शोल्डर में देखिए किनारे से मिलाकर सिलाई करना है। ये देखिए ये देखिए दोनों साइड के स्लीव को इस तरीके से मैंने सिलाई कर लिया है। तो अभी देखिए स्लीव का जगह में यहाँ पर देखिए और एक काम बाकी है, और इसको देखिए इसके लिए अलग से पोटी सिलाई करने तो सिल सकती है, और मैं यहाँ पर देखिए इस तरीके से फुल करके सिलाई कर लूँगी। यहाँ पर देखिए स्लीव सिलाई करने के बाद देखिए साइड की तरफ से सिलाई कर लेना है। इस तरीके से सिलाई करने से क्या होता है, हम कभी भी छोटा बड़ा करने में दिक्कत नहीं होता है। बहुत आसान तरीके से इसको ब्लाउज़ को बड़ा कर सकते हैं हम लोग। तो इस तरीके से जो भी साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक मिलता है इसको काट कर लेना है। तो दोनों साइड की तरफ से इस तरीके से सिलाई करना है। देखिए ये देखिए सिलाई कर लिया है। खास करके देखिए आर्महोल में देखिए जो दोनों ज्वाइन को इस तरीके से बराबर मिलाना है। अगर ये बराबर नहीं होने से क्या होगा, आप पहनने के बाद कंफर्टेबल नहीं लगेगा, तो इसलिए दोनों स्लीव को इस तरीके से बराबर मिलाकर लेना है। तो अभी देखिए कमर पट्टी सिलाई करना है। तो देखिए अभी कमर पट्टी में छोटा सा इस तरह से प्लेट डालना है। बीच में आने के बाद ही प्लेट को डालना है। अगर इस प्लेट को नहीं डालने से क्या होगा, जब इसको उल्टा साइड की तरफ से पलट लेगा तब कमर पट्टी की तरफ से थोड़ा खिंचाव आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर एक प्लेट डालना बहुत ही ज़रूरी है। सिलाई करने के बाद देखिए दोनों साइड की तरफ से इस तरीके से बराबर मिलाकर देखना है। ये देखिए बिल्कुल बराबर है। तो अभी हम देखिए फिनिशिंग के लिए यहाँ से सिलाई लगाना है कमर पट्टी के साइड की तरफ से। तो यहाँ से कमर पट्टी सिलाई करने के बाद अभी देखिए कमर पट्टी को हम उल्टा साइड की तरफ से पलटना है, और यहाँ से देखिए सिलाई कर लेना है। चाहे तो आप इस सिलाई को हाथ से भी तुरपाई कर सकते हैं। अगर मशीन की सिलाई रखना है तो मशीन की सिलाई भी रख सकती हो। मैं तो इस ब्लाउज में मशीन की सिलाई ही रखूँगी। तो ये देखिए कमर पट्टी सिलाई कर लिया है। अभी देखिए हम 34 साइज के हिसाब से मेजरमेंट ले लेना है। तो ये देखिए मैंने 34 साइज के हिसाब से मैंने मेजरमेंट ले लिया है। तो अभी यहाँ से सिलाई लगाना है। सिलाई देखिए ये सिलाई करने के बाद दो सूट का लगभग और एक सिलाई लगाना है।
यहाँ पर देखिए फिटिंग्स के लिए सिलाई कर लिया। अभी देखिए साइड से पिको कर लेना है। यहाँ से धागा बहुत निकल रहा है तो पिको कर देने से धागा नहीं निकल पाएगा। तो ये देखिए एक साइड सिलाई कर लिया है। अभी दूसरा साइड भी ठीक उसी तरीके से सिलाई करना है। जहाँ से मैंने चौक से निशाना दिया है वहाँ से सिलाई लगाना है। तो दूसरा साइड में देखिए कहाँ से सिलाई करना है। कमर के साइड की तरफ से सिलाई करके ऊपर की तरफ से लेना है। एक साइड जब मैं सिलाई किया था तब स्लिप से सिलाई किया है। फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ऑफ शोल्डर ब्लाउज की सिलाई बिल्कुल कंप्लीट है। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आने से वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसका कटिंग का वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप यहाँ से भी देख सकती हो और चाहे तो चैनल में जाकर वहाँ से भी देख सकती है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इस वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आने से वीडियो को लाइक देना ना भूलें। थैंक यू।